हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हमने 9.4 एक्सरसाइज शुरू की थी, जहां हमने फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स देखे थे विच वर सिमिलर, क्वाइट सिमिलर विद ईच अदर। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। अब आप देखिए, फर्स्ट पार्ट में है 5-2x इंटू 3+x, और सेकेंड पार्ट में भी है x+7y 7x-y। मीन्स एक में साइन प्लस है, एक में साइन माइनस है, एक में साइन प्लस, एक में माइनस। काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन। एक पार्ट में ले लेती हूँ, एक आप ट्राई कर सकते हैं। मैं लेती हूँ, मान लीजिए कोई भी पार्ट ले लेते हैं, सेकंड वन, x+7y और सेकंड बाइनोमियल है 7x-y। पहला रूल, फर्स्ट टर्म लेंगे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नाउ सेकंड टर्म लेंगे और फिर से जो सेकंड बाइनोमियल है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन पूरा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने का यही रूल है। 7 × 7, एक्स को मल्टीप्लाई एक्स से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को करेंगे वाई से, आ गया आपके पास एक्स वाई प्लस 7 × 7 = 49। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ, आपके पास आ गया एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 7 को, यहाँ इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स 1, 7 × 7। वाई को वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद आप आते हैं वाई स्क्वायर। ओके, आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे सिमिलर टर्म हमें एक्स वाई वाली ये दिख रही है, सेकंड वन ये दिख रही है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें वाई स्क्वायर है, दे आर अनलाइक टर्म्स, एक जैसी टर्म्स नहीं है। प्लस माइनस माइनस 49, ये क्या है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स 1 होता है। 49 में से एक गया, आपके पास आ गया 48। व्हाट विल बी द साइन ऑफ 48? जो बड़ी टर्म है दैट इज 49, उसका साइन ये कैरी करेगा। सो आपके पास ये सॉल्यूशन बन जाता है। अब देखिए, जैसे 1 और 2 सिमिलर थे, वैसे ही 3 और 4 सिमिलर है। इसमें दोनों साइड पॉजिटिव हैं, सो साइन की आपसे मिस्टेक नहीं होने वाली है। मैं ले रही हूँ फोर्थ पार्ट, दैट इज p² - q² और साथ ही है 2p+q, क्योंकि रूल सेम रहेगा, हमारा करने का तरीका भी सेम रहेगा। सेकंड बाइनोमियल माइनस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई विद सेकंड बाइनोमियल, ब्रैकेट खोलते हुए चलेंगे, p² को मल्टीप्लाई किया p से, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, बन गया pq। इसका कोफिशियंट 1 है, कुछ ना हो मीन्स देर इज 1, 2 × 1 = 2। प्लस p² को q से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है तो ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे। अब ये भी सिमिलर नहीं है तो ये एज इट इज़ pq² हम लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2। प्लस माइनस माइनस q² को q से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया q³। अब इसके आगे इस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट टर्म है, ये डिफरेंट टर्म है, ये p² q है, ये pq² है, ये भी डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है, इससे आगे सॉल्यूशन इसका नहीं निकलने वाला है, इसका प्रोडक्ट यहीं तक रहेगा। ओके, अब थोड़ा सा ये इन्होंने लेवल ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट। हमें दिख रही है, पहले तो एक बाइनोमियल ये है, एक बाइनोमियल ये है, ये क्वेश्चन सिमिलर हैं जो हमने पीछे अब तक जितने भी क्वेश्चन किए। प्लस 25 एक और टर्म दी है, पर ये किस में है, प्लस में है। तो पहले तो हम वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 1 और 2 में कैरी किया, वैसे ही फर्स्ट ले लेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन पूरे बाइनोमियल के साथ, माइनस जो साइन आया सेकंड टर्म, उसका मल्टीप्लाई अगेन पूरे बाइनोमियल के साथ। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो वी विल कीप इन द ब्रैकेट प्लस 25, जो एक्स्ट्रा टर्म है अदर देन इस, इसको हमने बाहर रखा। अब x² को मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, हो जाएगा x³। x² को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, हो जाएगा 5x² - 5 × 5x।
प्लस माइनस माइनस 25 क्यूब की टर्म है, स्क्वायर की, एक्स की, 25 की, इसके आगे सॉल्व नहीं होने वाली है। सो नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, और जो कॉन्स्टेंट टर्म हमें बिगिनिंग में दी थी ना वो हम साथ में कैरी करेंगे। नाउ अब ये दोनों सिमिलर है, कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, बट एक का साइन है पॉजिटिव, एक का साइन है नेगेटिव, मीन्स ये जीरो देंगे, तो रिमेनिंग आंसर आपके पास बच जाता है ये वाला। ओके, सेकेंड पार्ट भी सिमिलर है, यहाँ पे भी पहले आप ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे बाइनोमियल के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे बाइनोमियल के साथ। पावर्स का ख्याल रखना है, कौन सी पावर किसके साथ क्या चल रही है। जैसे यहाँ पे 25 को आपने चलाए रखा साथ में, यहाँ पे आप जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं हो जाती 5 चलता रहेगा। ओके, पार्ट नंबर 3, ये वाला भी ऊपर वाले पार्ट्स की तरह सिमिलर रहेगा। टी को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बाइनोमियल के साथ, प्लस साइन दैट इज एस स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन सेकंड बाइनोमियल के साथ, ब्रैकेट ओपन, टी को मल्टीप्लाई टी स्क्वायर के साथ, बेस सेम है, पावर या इसकी 2 है इसकी 1 है, दोनों ऐड अप हो जाएगी, माइनस टी को एस के साथ, तो एस टी, प्लस एस स्क्वायर को टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस, एस को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एस क्यूब। अब देखिए पावर्स, इसकी पावर्स और साथ ही एस टी है, ये एस स्क्वायर टी स्क्वायर है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, दे आर अनलाइक टर्म्स, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, आपका सोल्यूशन यहीं तक। सो टुडे वी हैव डन टिल पार्ट 3, आगे आने वाले क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं, उनकी ब्रैकेट ओपन करने का तरीका देखेंगे और वन बाई वन सबको सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, टेक केयर, वी विल सी यू नेक्स्ट 1।